साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश की राजनीति में हलचल तमाम तरह की जाहिर है, और जो हलचलें हो रही हैं कहीं ना कहीं उसका सीधा संबंध देश की राजनीति से है। राजनीति इसलिए क्योंकि आजकल केवल धार्मिक मुद्दे चलन में हैं, क्योंकि ये वो मुद्दे होते हैं जिन पर आसानी से राजनीतिक रोटियां सेकी जा सकती हैं, और हो भी वही रहा है। जनता के मुद्दे गायब है और केवल राजनीतिक मुद्दे यहाँ पर चल रहे हैं, वो भी धार्मिक आधारों पर। कभी रामचरितमानस की बात होती, कभी रामायण की, कभी यहाँ पर भगवान की बात होती, तो कभी इस्लाम की बात। यहाँ पर केवल होती है अपने अपने लाभ की, स्वार्थ की। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो बयान होते हैं वो बयान इतनी जल्दी चर्चा में आते हैं जितनी जल्दी शायद कोई अन्य मुद्दा चर्चा में नहीं आएगा। खैर, इस समय जो हमारा देश है वो फिलहाल बयान वीरों का देश है। तमाम तरह के बयान आते हैं, कभी रावण का बयान, कभी सूपनखा का बयान, कभी लादेन, और कभी कभी इस तरह के बयान भी आते हैं जिसको लेकर चर्चाएं बनी रहती हैं। और बयान वीरों की व्यवस्था भी ऐसी है कि बैठे हैं दूसरे राज्य में और बयान दे रहे हैं उत्तर प्रदेश पर। भाई, रोटियां जो सेकनी है, सबसे बड़ा राज्य और सबसे बड़ी राजनीति महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश के होकर ही जाता है, और जब उत्तर प्रदेश से होकर कोई रास्ता जाता है तो उत्तर प्रदेश हमेशा सरगर्मी बना रहता है। खैर, जो महत्वपूर्ण बयान की अगर हम चर्चा कर रहे हैं वो बयान है इस्लामी के धर्मगुरु तौकीर रजा खान। उन्होंने बयान दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धृतराष्ट्र है, उनको नजर नहीं आता है वो क्या कर रहे हैं, उनको तमाम चीज़ों को हट के देखना चाहिए। मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनको नजर नहीं आता है, और हिंदू राष्ट्र पर जिस तरह से बयानबाजी चल रही है तो फिर खालिस्तान की मांग करने वालों के साथ जो हम करते हैं वही हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों के साथ भी होना चाहिए। खैर, तौकीर रजा का पहला बयान, इसके पहले भी तमाम तरह के वो बयान दे चुके हो, चर्चा बने रहते हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण बात कि तौकीर रजा की आखिर रजा क्या है, चाहते क्या है, उस बयानों का लेना देना किससे है। हम गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले, हम सामाजिक सौहार्द को मानने वाले, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम सब जाति धर्म कौम से अलग सबसे पहले भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं और इंडियन हैं। उसके बीच में इस तरह के बयानों से जो हमारा सामाजिक सौहार्द है वो तो खराब होता ही होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो हमारे राजनेता हैं उनके हाथों एक मुद्दा लग जाता है, उस मुद्दे पर लगातार चर्चा चलती रहती है, और जो जनता के महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं वो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पे एक रिपोर्ट देखिए, सच्चा वक्त बढ़ाते हैं। वो हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, देश द्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, वरना हमें अंदेशा इस बात का है कि कल ऐसा ना हो कि हिंदू राष्ट्र वाले कितनी नफरतें बढ़ा दे, इतनी परेशानियां बढ़ा दे, अपना तफरी का माहौल बने और हमारे नौजवान कल खड़े हो जाए और जो वो ऐलान करे कि हमें मुस्लिम राज। चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर उनके बयान केवल यहीं तक सीमित नहीं होते हैं, इसके पहले भी तमाम तरह के बयान देते हैं और कभी बजरंग दल को आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग करते रहते हैं। चर्चा वैसे महत्वपूर्ण है और इस विषय पर बात करना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि अगर इस तरह की विषयों पर शीघ्र निस्तारण नहीं होगा, चर्चा नहीं होगी, समाधान नहीं निकलेगा, तो आने वाले समय में हमारे देश के सामाजिक सौहार्द को क्षति पहुँचा सकते हैं। चर्चा में से महत्वपूर्ण मेहमान रोजगार हूँ, नेता भाजपा से केसी भाई अपना पक्ष रखेंगे, नेता सपा से विवेक पांडे भाई अपना पक्ष रखेंगे, राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में दिलीप यादव अपनी बात रखेंगे, पवन श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार के रूप में अपनी बात रखेंगे, और नईम सिद्दीकी एक इस्लामिक स्कॉलर के रूप में अपनी बात रखेंगे। आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज हम करने वाले हैं वो करेंगे पहले नईम सिद्दीकी से। नईम भाई, बयान जरूरी क्या है, इस तरह के बयानों से क्या होने वाला है और क्या कुछ अलग लेके आएंगे तौकीर रजा, गंगा जमुनी तहजीब, इस तरह के बयान से क्या हासिल होगा, क्या दिखाना चाहते हैं? जी, जैसा मेरा मानना है जी कि बयानबाजी से इससे कुछ नहीं होता है जी, जो देश के हित में हो जी वो सबसे बेहतर है। मैं उसके लिए बिल्कुल अपने आप को परिपक्व हूँ जी, और देश के अंदर ऐसा माहौल ना बनाया जाए जी या किसी भी वर्ग को जो मतलब जो आपको परेशानी में डाल सकता है, तो मैं सभी विशेषज्ञ से यही कहना चाहता हूँ
जो भी डिबेट पे आए हैं जी, वो अपनी वार्ता को करे, ऐसे मतलब व्यू दे जो देश के हित में हो, उसके लिए मैं आपको सभी लोगों को परिपक्व बस। नहीं भाई, बस सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है, तौकीर राजा के बयान की क्या जरूरत है इस तरह के बयानों की? आप एक तरफ प्रधानमंत्री को जटराष्ट्र बोलते हैं, दूसरी तरफ बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले को खालिस्तान जैसा सलूक होना चाहिए, एक तरफ बोलते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र वालों की वजह से मुस्लिम कौम खड़ी हो जाए और मुस्लिम राष्ट्र की बात करने लगे तब कैसा लगेगा, हम मुल्क का बंटवारा नहीं चाहते हैं। पर कहीं ना कहीं इस तरह के मुद्दे छेड़ने से हमारा क्या लाभ होने वाला है? ऐसे बयानबाजी अगर हमारे राजनीति करते तो ठीक है, पर जो हमारे धर्मगुरु जो समाज को एक निर्देशन देते हैं, राय दिखाते हैं, अगर वो इस तरह के बयान कहीं ना कहीं जो असर है वो खराब पड़ गया। देखिए, देश हमारा हिंदुस्तान सेक्युलरिज्म का देश है जी, और संस्कृति का देश है जी, ये ऋषि मुनियों का और फकीरों का देश मुनियों का कहा जाता है जी। अगर हम इस देश की सभ्यता से छेड़खानी करेंगे, वो तो की रजा हो या कोई भी एक्स वाई जेड हो जी, वो गलत होगा। हिंदुस्तान में ऐसी उत्तेजना वाले कोई भी शख्स को इजाजत नहीं बोलने की कि जो देश के अंदर सद्भावना को जो ठेस लगे और जो यहाँ का सद्भावना का व्यवहार है, जो गंगा जमनी तहजीब है, इसमें कोई आग लग। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, तौकीर रजा को ऐसे इस वक्त के बयानों को देने का कोई उनका विकल्प नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके की बातों को उनको इस चीज को लगता है कि हिंदू राष्ट्र बन रहा है, मैं तो कहता हूँ हिंदू राष्ट्र बने, राम राज आए, राम राज के में सब में हर किसी साथ इंसाफ हो। मैं कहता हूँ पुरुषोत्तम राम ने क्या ये कल्पना की थी कि किसी को मैं गरीब को या किसी उस ऐसे शख्स को मैं उसको मतलब जो है परेशानी दूंगा। हम तो चाहते हैं कि राम राज आए, लेकिन राम राज हो सबके लिए, एक हो, क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या सिख क्या ईसाई, सबके लिए समानता हो, मैं उसके लिए करना चाहता हूँ। बस मेरा यही कहना है कि ऐसा चाहे हिंदू वर्ग के हो मतलब नेता हो, चाहे मुस्लिम वर्ग के नेता हो, चाहे मौलाना हो, चाहे ऋषि हो, चाहे मुनि हो, उनको कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहिए तो देश की मतलब सद्भावना को तो कुल मिला के तौकीर राजा के बयान के आप यहाँ पर निंदा कर रहे हैं, निंदा मान के चले? नहीं, मेरा ना तौकीर राजा से है, हम ये चाहते हैं कि देश का जो हमारा संविधान है, निंदा कर रहा है, समर्थन कर रहा है, स्पष्ट करिए। हम नाम है उनका समर्थन करता हूँ जो देश के हित में कोई भी मौका। अरे ये कौन से देश के हित की बात हो रही है? निंदा करेगा जी, मैं उनकी उस बोलो को वजाहत करता हूँ कि जो देश के खिलाफ है वो उनको नहीं बोलना चाहिए, बस अच्छा। मैं इसके लिए मैं साथ हूँ। नरेंद्र मोदी झूठे हैं ये सब बोलना ठीक है? नरेंद्र मोदी झटराष्ट्र प्रधानमंत्री झटराष्ट्र बोलना ठीक है? देखिए देखिए, कोई उनकी तरफ से कोई बयान आया नहीं है मोदी की तरफ से या प्रधानमंत्री से, मैं क्यों उनको कहूँ कि साहब इनको राष्ट्र मुकदमा भी दर्ज हुआ है, बोलना मुकदमे दर्ज नहीं, तो ये चीजें गलत है। हमें इसको जो है अभी नहीं इसको चीजें को भरना, और हमारे देश के वो प्रधानमंत्री को यहाँ धृतराष्ट्र बताया है और कहा है कि भाजपा का जो नारा है वो सब झूठा है, और अगर हमारे देश के नौजवान मुस्लिम नौजवान मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने लगे तो क्या होगा, और इस तरह की मांग करना गलत है, और जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं उनके खिलाफ भी खालिस्तानी जैसे कड़े नियम अपनाते हुए मुकदमे दर्ज होने चाहिए, कैसे देखते हैं? देखिए गौरव जी, जी पहली बात तो यह है कि क्या कोई भी राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र नहीं है जी? भारत से पाकिस्तान अलग हुआ जी, भारत का ही अंग था जी, बिल्कुल 1947 के बाद अलग हुआ जी, आज क्या वो मुस्लिम राष्ट्र नहीं है जी? क्या वहां पर मुस्लिम धर्म के अनुसार सजा और मुस्लिम धर्म के अनुसार वहां पर छुट्टियां ये सारी चीजें लागू नहीं है जी? और रही बात कि अगर यहाँ के हमारे बच्चे मांग करने लगे जी, या कोई और धर्म का कोई और कुछ मांग करने लगे, तो देखना ये पड़ेगा कि वास्तव में भारत देश का प्राचीन स्वरूप क्या था जी? भारत देश के अंदर मुगल कब आए? 8वीं 9वीं शताब्दी में आए। इसके पहले तो मुगल यहाँ पर नहीं थे, मुस्लिम यहाँ पर नहीं थे 8वीं 9वीं शताब्दी के पहले। अच्छा, भारत देश के अंदर जी। और जो करोड़ों वर्षों का भारत देश का इतिहास रहा है, भगवान राम से लेकर के भगवान कृष्ण से लेकर के भगवान महावीर तक, बुद्ध तक, जो इतिहास रहा है भारत देश का जी, भगवान बुद्ध के समकालीन, भगवान महावीर के समकालीन,
ईसवी शताब्दी के 500 ईसा पूर्व आप पहुंचिए तो आपको कहीं पर भी क्या मुसलमानों का कहीं पे उद्भव कहीं कुछ दिखाई देता है? अच्छा। पूरे विश्व में कहीं पर भी कोई भी एक अंश मात्र भी क्या मुसलमानों का कुछ दिखाई देता है? किसी खुदाई में, किसी उत्खनन में, किसी शिलालेख में, किसी अभिलेख में क्या मुस्लिम धर्म का वर्णन मिलता है? अच्छा। लेकिन कम से कम पूरे विश्व की बात ना करें, अगर भारत देश की बात करें, अगर भारत देश हमेशा से हिंदुओं का राष्ट्र रहा है और साथ ही साथ मुसलमान वर्ग स्वयं कहता है इस बात को कि हिंदू बहुसंख्यक है, आज की डेट पे भी हिंदू बहुसंख्यक है। अच्छा। तो अगर बहुसंख्यक वर्ग अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अगर कोई चीज की मांग करता है तो उसमें गलत क्या है? और एक चीज है कि दो चीजें हैं यहाँ पर, किसी का किसी चीज के लिए मांग करना और संवैधानिक रूप से उस चीज का दर्जा देना या नहीं देना, दो चीजें हैं। तो जिसकी जहां पर आस्था है, जो लोग इस तरीके से देखते हैं कि भाई भारतवर्ष हमारा लंबे समय से सत्य सनातन परंपरा को पालन करता रहा है, उसके मानने वाले लोग रहे हैं जी। और हिंदुत्व को मानने वाले लोग रहे हैं और यहाँ की सारी परंपराएं हिंदुत्व से जुड़ी हुई हैं। अच्छा। इसलिए वो मांग करते हैं, लेकिन लेकिन भारत देश का संविधान, भारत देश का सदन और संसद ने क्या इस चीज को लागू किया? केसी भाई, नौ वर्षों और सबसे महत्वपूर्ण बात नौ वर्षों से संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री को निर्दोष बताना, और सबसे महत्वपूर्ण बात है इतना क्यों ईर्ष्या है, इतनी घृणा क्यों है कि सरकारों को तमाम सरकारों पे कटाक्ष कर सकते हैं पर यहाँ पर केवल बीजेपी सरकार पे कटाक्ष? केवल देखिए क्या है गौरव जी, क्या है जी कि वो सारे लोग जी जो लोग कहीं ना कहीं भारत देश को खंड खंड करने के सपने देख रहे थे, अच्छा, आज उनके सपने चकने चुकना चूर हो रहे हैं। अच्छा। आप देखिए जो अलगाववादी ताकतें थी जी, जो यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली ताकतें थी, जो इस तरीके का काम कर रहे थे कि भारत देश के पहले भी कई टुकड़े हो चुके हैं, इसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता है जी, इसको स्वीकार करना पड़ेगा जी, कि पहले भारत देश कितना विकसित था, कितना विशाल था, और उसके बाद में वो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे इधर आपका बांग्लादेश हो, जिस प्रकार से खंड खंड हुआ भारत देश जी, जो लोग इसके सपने देख रहे थे कि जम्मू कश्मीर को बांट ले जाएंगे। अच्छा। लेकिन धारा 370 को हटाने का काम जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री, यही यही कारण है ईर्ष्या का? नहीं, ये एक कारण नहीं है। अच्छा, कई इस तरीके के भारत को जोड़ने के जितने भी उन्होंने काम किए, उन्होंने मतलब भारतीय जनता, अच्छा, उन्होंने ये भी कहा है कि अत्याचार कर रहे हैं मुसलमानों पे आप लोग, और जो आपका नारा है सबका साथ सबका विकास वो झूठा है, एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। देखिए जब आप किसी जिसकी दुकानें बंद हो गई है धर्म के नाम पर, ठीक, बिल्कुल जिसकी दुकानें बंद हो रही धर्म के नाम पर, और आपसी भाईचारा प्रेम की जो सिर्फ बातें करते थे और अलगाववाद की साथ बात करते थे, लेकिन आज जब प्रेम और भाईचारा वास्तविक रूप से दिखाई दे रहा है, सबका साथ सबका विकास का जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है वो कार्य रूप में परिणित होता हुआ लगातार दिखाई दे रहा है, तब इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। दरअसल इनकी दुकानें बंद हो गई, दर्द सबसे बड़ा इस बात का है और कोई बात नहीं है। लेकिन आप मुस्लिम वर्ग से पूछेंगे, मुस्लिम वर्ग पूर्ण रूप से संतुष्ट है, वो हमारे साथ में है। ऐसी ऐसी सीटें जो हम कभी नहीं जीतते थे, जहाँ पे मुस्लिम वर्ग ज्यादा है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी जीत करके आ रही, कैसे जीत करके आ रही है? आप रामपुर का जिस समय चुनाव था गौरव जी, जी, रामपुर के चुनाव की जो खबरें लगातार आ रही थी, रामपुर चुनाव पर तो विवेक भाई बताएंगे क्या हुआ, खूब कवरेज आपने किया उसको, बैठे हैं और वहां पर जी, वहां पर विधान वो विधानसभा पर मुस्लिम वर्ग की आबादी 50% से ज्यादा है जी, उसके बाद में भी भारतीय जनता पार्टी जीत के आई, कैसे जीत के आई? अच्छा। इसका मतलब मुस्लिम वर्ग भी भारतीय जनता पार्टी को चाह रहा है। तीन तलाक का विरोध नहीं आता, गौरव जी बस 30 सेकंड बोलिए। 3 तलाक का बिल लाने के बाद मुस्लिम बहने, मुस्लिम माताएं जो इस तरीके की प्रताड़ना झेलती थी, अच्छा, कि दो दो तीन तीन बच्चे हो जाने के बाद जी, सिर्फ एक मुंह से निकल गया तलाक तलाक तलाक, और उनको नरक की जिंदगी गुजारनी पड़ती। अच्छा। आज वो नहीं हो रहा है, आज वो मोदी जी के साथ में, क्यों? चल आ गया, आज हो गया जो हकों हुकूक की लड़ाई लड़ रही थी, हाँ, उसमें उनको आजादी मिली, ठीक, और उस आजादी दिलाने का काम माननीय मोदी जी ने किया। ठीक है, विवेक पांडे सपा, विवेक भाई भाई यहाँ पर बता रहे हैं कि जो हमारी सरकार है बेहतर कर रही है, और केवल इनकी जो राजनीतिक दुकान है वो बंद हो रही है, इसी प्रदेश में है, और सबका साथ सबका विकास का जो नारा है उसी पे बीजेपी काम कर रही है, कैसे देखते हैं? देखिए पहले तो होली की बहुत शुभकामनाएं पूरे मंच पे उपस्थित सारे पैनलिस्टों को,
और बहुत अनुमोदन के साथ अपनी बातों को अभिव्यक्त करूंगा गौरव भाई जी। कैनेडाई नेता जगमीत सिंह ने न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के जो हैं नेता कनाडा के जी, उन्होंने एक ट्वीट किया था, मुस्लिम विरोधी भावना को रोके मोदी सरकार जी। और अमेरिकी संस्था यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की साल 2016 की रिपोर्ट अगर आपको याद दिला दूं, जिसमें मुस्लिम उत्पीड़न और मुस्लिम समुदाय के प्रति दहशत में वृद्धि का अनुभव भारत में किया गया जी, और ऐसे अभियानों को उसका जिम्मेदार बताया गया जिसकी शुरुआत राष्ट्रवादी समूहों के राज्य के राष्ट्र से जुड़े नेताओं द्वारा की जाती है। अब सबसे बड़ी बात यह समझनी पड़ेगी आपको, कुछ दिन पहले यूएन का भी एक ट्वीट आया था भारत में बलात्कारियों की को, अरे बलात्कार मुद्दा नहीं है भैया, टोकी रहने का मामला है, मुद्दे पे नहीं जा रहा। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अंतरराष्ट्रीय, ये आप लोग बाहर के आंकड़े क्यों करते भाई? भाई डब्ल्यूएचओ के आंकड़े इनको पसंद थे ना। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया के सांसदों तो की रहे कोई आंकड़े जारी किए क्या? इंटरनेशनल संस्थाओं के आंकड़े और इंटरनेशनल संस्थाओं से जो इनको प्रशस्ति पत्र मिलते थे वो तो इन्हीं को पसंद थे ना। अच्छा, तो अंतरराष्ट्रीय बातें भी तो होंगी, चलिए कर लीजिए। बाकी वो बातें भूल गया आप? अच्छा, डब्ल्यूएचओ के जो सर्टिफिकेट दिखाते थे, अंतर ऑस्ट्रेलिया के सांसद की वाहवाही बताते थे, तो बात तो होगी, सबकी बात होगी। अच्छा, दर्द बहुत है आपको? दर्द नहीं है, खुशी है। खुशी है, बात तो होगी तो सबकी होगी, चलिए कर लीजिए। अब भारत में रामनवमी के मौके पे कई बार जब राज्यों में हिंसा आगजनी की गई और मामले दर्ज हुए, लेकिन उस समय भी मोदी जी मौन थे। अच्छा, मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध बयान न दे भाजपा नेता, क्या जरूरत पड़ गई मोदी जी को ऐसा कहने की? अच्छा, मैं तो सवाल उठा रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है, इरफान सोलंकी आपको याद ही होंगे, बोले तो होंगे नहीं। अच्छा, शहजील इस्लाम आपको पता ही है जी, आजम खान, मैं तो पूछ रहा हूँ, सवाल उठा रहा हूँ, आपने इन नेताओं पे कार्रवाई की? क्योंकि इनके नाम में एक विशेष शब्दों का समान, ये कौन सी बात हुई? आने बिल्डिंग कलर बताएंगे कार्रवाई नहीं होगी, तो मेरी बात तो बता रही, बता रही है। इनके शब्दों में एक विशेष समावेश है तो आपने कार्रवाई की? दो दिन पहले जो योगी जी मिर्जापुर में टहल रहे थे एक माफिया के साथ, क्या कार्रवाई हुई? क्या आप उसको माफिया नहीं मानते? अच्छा, नहीं, ये खालिस्तान की मांग की बराबरी कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की। सुन लीजिए, सुन लीजिए ना भाई, मैंने हिंदू राष्ट्र की मांग करना, 69,000 शिक्षक भर्ती करना बराबर है, आप इस चीज को मानते हैं क्या? जवाब आपको नहीं देना, रजा की इस बात का आप समर्थन कर रहे हैं? जी शुरू कर रहे हैं, किसी बात सुन लीजिए, मैं फिर बोलने, किसी सुन लीजिए, मैं आपके माध्यम से सवाल पूछ रहा हूं गौरव जी, माध्यम से सवाल मेरा जोड़ लीजिए, पूरा मौका दूंगा, अभी समय बहुत बाकी है, पूरा मौका मिलूंगा आपको, पूरा मैंने 11 मिनट दिया है, बिल्कुल मौका दीजिए। रजा का जो बयान आया है जिसमें इन्होंने कहा है कि हिंदू राष्ट्र की मांग करना और खालिस्तान की मांग करना, फिर दोनों जायज है, दोनों बराबर है। अच्छा, क्या दोनों को ये सही मान रहे हैं क्या? चलिए पार्टी, चलिए जवाब लेता हूँ, अब आप मत बोलिएगा। अरे हो गया, बोले 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 बोले, बोले, बोले। हाँ। बात पूरी करिए। इन्होंने अभी एक तर्क दिया था, शिलालेख में किसी भी मुस्लिम राजा का नाम नहीं, ठीक, गलती इनकी है ना, दिक्कत हाँ। यही है इनके साथ, अच्छा, घर से निकलते नहीं है, जरा इमामबाड़ा घूम लें, अच्छा, वहाँ के शिलालेख पढ़ लें जरा, अच्छा, दिक्कत है इमामबाड़ा उसको पढ़ा नहीं होगा, समझा नहीं होगा, अच्छा, फोटो खिंचवाने, अच्छा, लेकिन पता नहीं होगा, अच्छा, बोलिए, टहलाएं जरा ढंग से, टहलाएं, अच्छा, वहाँ पे जो लिखी आयते हैं, जहाँ वहाँ पे जो खुदा नक्काशी सब है उसके नीचे जो चीजें लिखी है, बोलिए पढ़े, अच्छा, कब की है वो, कितने साल से बिठा लाया, क्या है ये तमीज है क्या ये बात करने? किसी भाई, किसी भाई सुन लीजिए, किसी भाई बीच में बोलिए, किसी जन भाई बीच में बोलिए, किसी भाई हो गया, हो गया, अपने 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 किसी जन ये बताइए, 69,000 शिक्षक भर्ती में कितने मुस्लिम बच्चों का आपने हक मारा, कितने ओबीसी का हक मारा, कितने पिछड़े वर्ग के बच्चों का हक मारा, जलालत से चलने वाली सरकार जब तक तमाचा नहीं खाती है न्यायपालिका से, तब तक शरण नहीं आती है। 69,000 शिक्षक भर्ती में कितने बच्चों के साथ आपने अन्याय किया, बात करते हो बैठ करके यहाँ पे हिंदू राष्ट्र बनाओगे? 2021 की यूपीएसआई की भर्ती में आवाज नहीं निकलती, औकात नहीं है तुम्हारे मुख्यमंत्री की कि जांच कर रहे हैं एसआईटी की? शब्दावली क्या बात कर रहे हैं? शब्दावली, क्या शब्दावली की बात करेंगे? तब से बीच में बोले जा रहे हैं कैसे भाई, बारी बारी मौका मिलेगा आपको, बोले भाई 2021 की यूपीएसआई की भर्ती, ऐसे ऐसे नहीं होगा, मैं ऐसे करो, मैं डिबेट नहीं करूंगा। कैसी भाई, विवेक भाई, ऐसे कर, मैं बारी बारी सबको मौका, बीच में ही बोलिए, बीच में बोलिए, आप डाउन की जाए, आप डाउन की जाए, आप डाउन की जाए, किसी ने आप डाउन की जाए, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होगा, बारी बारी मौका दीजिए, बोलिए विवेक भाई, बात पूरी करिए। मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ सवाल सिर्फ ये उठा रहा हूँ, बोलते रहिए। नंदी का एक कनेक्शन सामने आया, प्रयागराज दहल गया, उत्तर प्रदेश की छवि बहुत बना दी उत्तर प्रदेश सरकार ने। नंदी का एक कनेक्शन सामने आता है जिसपे आरोप लगते हैं 5 करोड़ की लेन देन के। अच्छा, गुजरात में बड़ी सुविधाएं मिलती थी, भाजपा के नेता रुदन प्रलाप कर रहे हैं। अच्छा, किसकी सरकार है गुजरात में? अच्छा, सरकार किसकी है गुजरात में? बीजेपी की है। बीजेपी की है। हाँ। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? बीजेपी की है। और अतीक अहमद की आज तक चार्जशीट ना खुली। अच्छा, सरकार किसकी, कौन घोषित कर रहा था? अच्छा, 5 करोड़ के कनेक्शन अगर हुए सामने आए, आपको नहीं लगता जांच होनी चाहिए? अच्छा,
जांच नहीं होनी चाहिए, क्लीन चिट दे दीजिए। इस अच्छा। पैनल पे बैठा कोई एक सदस्य क्या उनको क्लीन चिट दे सकता है? अच्छा, दूसरी बात पे आऊंगा, बोल दीजिए। अगर ये 5 करोड़ की बात आ गई तो नैतिकता से इनको इस्तीफा नहीं लेना चाहिए था नंदी का? भाई आपको याद होगा एक घटना हमारे कार्यकाल में हुई थी, जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मेरी बात आ जाए। हमारे कार्यकाल में एक घटना घटी थी कुंडा, मुद्दा भटका रहा है, एक घटना कुंडा में घटी थी जी, जिसमें कि एक मुस्लिम आईपीएस, मैं बाकायदा नाम ले रहा हूँ, बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है ना आपको, बड़ी घटना थी, बिल्कुल बड़ी घटना थी। नैतिकता से ईमानदारी से और बाकायदा संस्कारित तरीके से आदरणीय राजा भैया ने स्वयं इस्तीफा दिया था। अच्छा, ये राजनीतिक शिष्टाचार था। अच्छा, ये राजनीतिक, अरे राजा भैया को तो अखिलेश यादव जानते भी नहीं है, कौन अखिलेश भाजपा नेता और राजा भैया कहते हैं, आज आप बता रहे हैं राजा भैया नंदी का इस्तीफा लेने की औकात नहीं हो रही है? अच्छा, क्योंकि राजा भैया कौन, राजा भैया कौन पूछ रहा था, कौन राजा भैया? चले इनकी कैसी भाई सुन लीजिए, कैसी भाई सुन लीजिए, मजा नहीं आएगा ऐसे, कैसे मजा नहीं आएगा? जो आपके नेता उनके बेटे को आपका रम दे दिया चलाने के लिए उत्तर प्रदेश में, चलिए ठीक है, कैसी जैन मुझे मत सिखाइए, रुक जाइए, सुन लीजिए, बोल दीजिए, मैंने एक सवाल उठाया, 77,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला सामने आया है गौरव भाई, क्या ये देश को बांटने की मुहिम है? क्या ये देश को बांटने की मुहिम है? क्या ओबीसी पिछड़ा वर्ग को मुख्य धारा से तोड़ने की मुहिम नहीं थी सरकार की? क्यों 6,500 से अधिक पद जो थे ओबीसी आरक्षण नहीं, आपने बढ़िया घटना याद दिलाई, मुद्दे पे आइए, समुदाय के मुद्दे पे आइए, क्यों उड़ाते हैं सवालों को दे दिए गए? मैं तो युवाओं की बात करूंगा पांडे, मेरा भैया मेरा एक केवल जवाब, मेरी बात नहीं आने, तो आखिर राजा के बयान पर आप क्या उम्मीद क्यों लग रही है? कैसी भाई ऐसे नहीं होगा, प्लीज माफिया मारे जा रहे, कैसी भाई? अरे आप योगी जी, मैं जवाब ले रहा हूँ, जवाब ले रहा हूँ, आप समर्थन करते हैं इस तरह बयान की जरूरत है या विरोध करते हैं? ये मोदी जी को सोचना चाहिए, अरे आपसे पूछ रहा हूँ, मोदी छोड़ सोचेंगे, बात तो आ जाए, बात तो आई नहीं जी, क्योंकि जैसे सच सुने इनकी देखिए, कैसे भाई आप बोल रहे हैं, उनको दिक्कत हो रही है? नहीं, मुझे दिक्कत नहीं हो रही है, सुन लीजिए पहले भाई, ये इस मंच से पूछूंगा, सत्ता पक्ष में मैं हूँ कि ये तो हतोत्साहित लग रहे हैं? अच्छा भाई, आप विपक्ष की बात नहीं आने देंगे जी, और आरोप लग रहा है, शांत हो आप सच सुन लीजिए, पेट में दर्द हो रहा है, मैं तो चाहता हूँ ये बोलते रहे, मैनपुर में बोलिए, मैं चाहता हूँ ये बोलते रहे, क्योंकि हतोत्साहित वही होगा जिसके पास कमजोर तथ्य होंगे। जवाब दीजिए, समर्थन है या विरोध? किस बात का समर्थन? तौकीर रजा के बयान पर, तौकीर रजा ने क्या बयान दिया? अच्छा, जो आपने क्या बयान दिया, आपने बयान नहीं समझा, मैंने तो एक सवाल उठाया, देश संविधान से चलेगा। अच्छा, इन्होंने अभी क्या कहा? हाँ, अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा क्या मांग करना हिंदू राष्ट्र की गलत है। हाँ, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, संविधान में कहाँ लिखा है कि आप हिंदू राष्ट्र की मांग कर सकते हैं? अच्छा, बताइए ना मुझे, जिम्मेदारी से पूछ रहा हूँ। अच्छा, संविधान में कहाँ लिखा है? और अगर अगर मांग करनी है तो पहले संविधान से शब्द हटा दो, पाकिस्तान की मांग करेंगे, शब्द गाय को माता बोलते हैं ना, हाँ, गाय को माता बोलते हैं ना, 13-14 में 250 करोड़ बीफ कंपनियों से चंदा लिया इन्होंने। अच्छा, 13-14 में 250 करोड़ बीफ कंपनियों से चंदा लिया, सड़क पे दुधारू पशुओं की पूजा कराते हैं। अच्छा, और पीछे उनको काटने वालों से चंदे वसूलते हैं। अच्छा, ये इनका चाल चरित्र चेहरा है। अच्छा, तो किसकी बात कर रहे हैं? ठीक है, जिसकी कोई चरित्र का प्रमाण नहीं, चरित्र नैतिक चरित्र नहीं है, मैं तो पूछ रहा हूँ, समर्थन कर दिया, मैंने तो एक बात कही, अभी भी कह रहा हूँ, खुल के कह रहा हूँ, हाँ, इस देश के संविधान में कहाँ लिखा है कि ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनेगा? मुझे वो और ये लिखा है कि बयान देश के लिए बेहतर लिखा है कि जम्मू कश्मीर को जी, ये लिखा है कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को दे दिया जाएगा। अब ये इन्होंने संशोधन किया होगा, मुझे नहीं पता, संशोधन किया होगा भाजपा ने, किया होगा मुझे नहीं पता, यहाँ पे ये लिखा है, मुझे तो नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा, इन्होंने पढ़ा होगा, ये बोल रहे पड़े होंगे। और सुनिए बयान की बात, लिखा है संविधान में, चाकू की धार तेज करो, आर्थिक बहिष्कार करो मुस्लिमों का, जालीदार टोपी कपड़ों से चिन्हित करना, ये कहा लिखा है संविधान, बकरे की अम्मा खैर, ये सब बयान किसके थे गौरव भाई? हमको MY फैक्टर से पार्टी धर्म पे है क्या? मैं तो पूछ रहा हूँ, हमको MY फैक्टर के नाम पे आरोपित करने वाले आज खड़े होकर के पसमांदा का सम्मेलन करवाते हैं। अच्छा, मैं तो सवाल उठा रहा हूं, क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो सम्मेलन का चलिए बता दीजिए, चलिए बता दीजिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में कितने मुस्लिम बच्चों का हक मारा इन्होंने, बता दीजिए, वर्ग का कितना हक मारा, और अगर नहीं मारा तो आज सुप्रीम कोर्ट, आज हाई कोर्ट, आज कोर्ट ने तमाचा ठीक है, नंदी का इस्तीफा लेंगे, दिलीप यादव नंदी का इस्तीफा लेंगे, दिलीप यादव तो दिलीप यादव बोले, कैसी भाई कैसी भाई हो गया, दिलीप यादव बोलेंगे, दिलीप भाई बोलिए बोलिए जी, क्या रहा है गौरव भाई,
बहुत अच्छा लगा कि जो है केसी जैन साहब जो है आज दूसरे पाले में बैठ के जी क्या बात है क्या बोल रहे हैं, कभी सपा पाले में भी बैठ के बोला करते थे। अच्छा, और अरे सपा तो सपा हो गई ना, सपा तो सफा हो गई, अब बोलना क्यों लग रहा है भाई, मैं पार्टी वाला नहीं हूं। कैसे भाई, मैं पार्टी वाला भाई, पिछले साल मुझे पता है वो बता दिया, रिमेंबर करा दिया। अरे बोलिए आपने टाइटल पढ़ लिया, सपा तो सफा हो गई, सपा बचेगा वो टाइटल जो जानते हैं। कितनी बार सुन लीजिए, हां दिलीप भाई बोलिए। देखिए एक बात है, बयान कोई भी हो चाहे वो तौकीर रजा दे या जो है फिर माननीय प्रधानमंत्री जी दें या योगी जी दें, बहुत से बयान दे दिए हैं जी, तो इन सब पे जो है जाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो है ये भी हल्के में लेते हैं जी, ये अपने बयान को जो है दूसरों के लिए हल्के में वो करते हैं, लेकिन दूसरे का जो बयान होता है उस पे मुकदमे दर्ज करवा दिया जाता है। होना ये नहीं चाहिए। अच्छा, अगर जो है अभिव्यक्ति की आजादी है इस देश में, अच्छा तो ऐसी आजादी नहीं, प्रधानमंत्री को डटरा से बोल दे, प्रधानमंत्री वो भी प्रधानमंत्री हैं तो उनको भी जो है अभिव्यक्ति की आजादी है। अच्छा, तो एक सामान्य व्यक्ति को भी तो जो अभिव्यक्ति की आजादी है। अच्छा, नेहा सिंह राठौर जो है एक कविता पढ़ देती है, लोक गायिका है, लोक गायक है, कवि है, तो उसको जो है आप जो है संबंध जारी करवा देते हैं कि जो है ये चीजें, ये नहीं होना चाहिए। पहले आप जो है सुचिता का परिचय दें, आपसे सीखेंगे लोग। क्या बात है, आप अगर सुचिता का परिचय नहीं देंगे, पता लगा कि जो है वो उस पार्टी का है या आपसे कोई सवाल पूछ रहे, मैं ही सवाल पूछता हूँ भारतीय जनता पार्टी से या कांग्रेस जो भी सरकारें हैं, मैं पूछता रहता हूँ। तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि जो है आप उन पे जो है समन जारी कर दें या आप ही सही हैं और दूसरा गलत है, नजरिए अलग अलग है। अच्छा, तो मैं कहना चाह रहा हूँ तौकीर रजा जो है अगर उससे जो है, जबकि उनके ऊपर जो है यशस्वी मुरादाबाद ने जो है 153A 295 505 2 इन सब में जो है मुकदमा दर्ज कर दिया है। अब देखते हैं आगे न्यायालय का, वो कह रहे हम डरेंगे नहीं, वो कह रहे हम डरेंगे नहीं, हमको देश द्रोह का मुकदमा दर्ज करना, डरने वाला कोई नहीं है साहब। अच्छा, मैं एक चीज बताऊं, डरने वाला ना जो है समाजवादी पार्टी के लोग हैं या कांग्रेस के हैं या फिर जो है आप भी नहीं है, हम भी नहीं है। अच्छा, मुकदमे होते हैं, ये चलते रहते हैं, बीजेपी वालों पे भी मुकदमे बहुत से हुए, लोग जो है अपने मुकदमे उठा लिया करते हैं, खुद जो है खत्म कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री रहते हुए कोई दूसरा जो है अगर खत्म करे तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो इस चीज को जो है डरने डराने की बात नहीं है। अच्छा, और सिर्फ ये होना चाहिए कि मुद्दे पे विकास की बात होनी चाहिए, रोज बेरोजगारी चरम पे है, उसके बाद आपके लॉ एंड ऑर्डर उसकी बात चरम पे। आपको मैं बता दूं, आज मैं अभी हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, ये बगल में जो है राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है, इतनी दुर्व्यवस्थाएं हैं कहने की बात नहीं। केसी जैन साहब, आप भी लखनऊ में रहने वाले हैं, हम भी लखनऊ में रह रहे हैं, बगल में ही है। चिकित्सा सुविधाओं की मूलभूत सुविधाएं जो है कोई बिहार से आ रहा है, गोरखपुर बाबा की नगरी से आ रहा है गोरखपुर में, वहां एक एम्स जो है पिछले सरकार ने जमीन भी दिया था सपा गवर्नमेंट ने, आज तक उसको चालू करवा दिए होते तो वहां के लोग जो है इतना धक्के खा के न आते। क्या बात है, तो ये विकास पे काम करिए जी। बयानबाजी आपके भी होते हैं दूसरे के, तो इस पे ज्यादा जो है हो हल्ला नहीं मचना चाहिए। आप जैसे जो है चौकी रजा के इससे बयान की जरूरत क्या है, क्यों ये लोग बयान देते हैं? देखिए एक बात बताएं, दरअसल मैं बता दूं कि तौकीर रजा का जो चरित्र है जी, वो 2009 की लोकसभा में जो है कांग्रेस पार्टी को जो है समर्थन दिया, अभी तो लाइव हूं कितने बजे, और 2012 में जो है समाजवादी पार्टी को दिया, और इसके बाद जो है 2014 वाले इलेक्शन में जो है बसपा को दिया। अच्छा, हो सकता है कि जो है तौकीर रजा साहब भी चाह रहे हो कि ऐसे बयान दे के हम कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो है 2024 के जो है इलेक्शन में जो है कुछ सहयोग करें। अच्छा अच्छा, और हमें जो है उससे कुछ जो है दत्तराज बोल के सहयोग करेंगे क्या? अरे ये सब राजनीति के चाल है सर। अच्छा, चाल है। अच्छा, आप जो है तो धर्मगुरु हमें, होने चाहिए। हमें जो है चाल गुरु होना चाहिए, सुख सुविधा मुहैया करा दें, अपना स्वार्थ ये भी हो सकता है, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लोग करते हैं। अच्छा, विपक्ष का काम जो है सिर्फ विपक्ष वाले ही कर सकते हैं। अच्छा, और जो ऐसे पोलराइज करने वाले लोग हैं, ये लोग पोलराइज करने वाले हैं, हिंदू मुस्लिम करके जो है पोलराइज करने वाले हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पे पोलराइज करने वाले लोग हैं, तो इनकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक ठीक है, पवन जी दोस्तों आपसे बेहतर समीक्षा को निकलेगा, क्या आपको लगता है इस तरह के बयान से क्या मुद्दे हल हो रहे हैं, जरूरत क्या है, और क्यों इस तरह के बयान लगातार चर्चा बने रहते हैं, कैसी राय आपकी? गौरव जी, जी तौकीर बहुत ही गंदा व्यक्ति है। क्या बात, हम जानते हैं उसको, पटेल जानते हैं जी, बहुत ही गंदा व्यक्ति है वो,
अगर जिस सब्जेक्ट पर चर्चा हो रही है पहले उसकी बातें हो जाए, फिर अभी हम जी भारतीय जनता पार्टी और सपा पार्टी पे भी हम आएंगे जी। बहुत ही गंदा व्यक्ति हो और उसकी मानसिकता क्या है कि लोकसभा का चुनाव आ रहा है, लोकसभा का चुनाव आ रहा है और वो जब भाजपा के विरोध में बोलेगा तो या फिर सपा या बसपा या कांग्रेस उसको हथियाएगी, कहीं ना कहीं मौका देगी, उसके एकमात्र बहुत छोटी सी उसकी जरूरत है। लेकिन जब इस स्तर के लोग जब गिर जाते हैं जी, इस स्तर के अपने राजा के तुलना जब जो है ऐसे लोग से दृष्टांत से करते हैं तो दुख होता है। ये अनपढ़ अशिक्षित, ये अनपढ़ अशिक्षित से भी बढ़कर है जी ये तौकीर राजा साहब आपके, ठीक सर। ये दुर्भाग्य है कि जिस देश में रह रहे हैं जी, जिस देश में रह रहे हैं उन्हीं के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। ये रह रह करके एक आएंगे दो आएंगे और ये कहीं ना कहीं आदित्यनाथ योगी जी की सरकार की निगाहें इन पे भी है, ये भी समझिएगा। अच्छा, बच नहीं पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। कारण साफ है, कारण साफ है जो जिसको भी लगे, लेकिन ये है कि आज 5 साल का पिछला सरकार और 1 साल ये हो रहा है, 6 वर्ष हो गए हैं आदित्यनाथ योगी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, एक भी दंगा हुआ हो? ये हमारा आपका गौरव जी विवेक जी हम आप सब जानते हैं कि हर 15 दिन, हर चौथे दिन, हर 5वें दिन दंगा होता था, छीनीती होती थी ATM के बाहर, लूटकांड होती थी। अच्छा, ये नहीं है, शासन प्रशासन कहीं ना कहीं बहुत अच्छा चल रहा है। अब हम आते हैं सेकंड नंबर पे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय, वो पहले मुस्कुरा रही है, बहुत सारे झोली खोल करके ट्वीट देख रहे थे, कहां से ट्वीट आया है कहां से नहीं आया है। ये अखिलेश यादव जी जिस दिन ट्वीट के गेम से निकल करके, ट्वीट वाला जो गेम करते हैं अखिलेश यादव जी, वो आदत पड़ जाती है, संघर्ष का असर होता है, जिस दिन वहां से निकल करके और बूथ स्तर पे मेहनत करेंगे, क्या बात है, जहां पे जिस दिन निकलेंगे तो ये आज आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं होते। ये हमको आपको सबको भली भांत मालूम है, ये जब छत्तीसगढ़ का हो गया था तब ये सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर दिए थे, ये वो अखिलेश यादव हैं। और ये जो मुस्लिम प्रेम है इनका दिखाने वाली, चाहे वो जो टोपी छेद वाली होती है वो, चाहे उसके लगाने की बात हो, हम नहीं जानते उस टोपी को क्या कहते हैं, छेद रहते हैं बहुत सारे, तो चाहे उस टोपी के लगाने की बात हो चाहे रोजा इफ्तार की बात हो, समझेगा, ये एक दिखाने की, जैसे आज भी विवेक जी ने कहीं ना कहीं तौकीर जी की सहमत किया, तौकीर जी की बात पर सहमत किया, तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य है। अच्छा, ये दुर्भाग्य है समाजवादी पार्टी के लिए। अच्छा, कि जो व्यवस्था समाजवादी विचारधारा की थी वो कहीं ना कहीं गायब होती जा रही है, और अखिलेश यादव जी के लिए ये सपना हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में, ये अगर इसी तरह से मेहनत करेंगे, अगर अपने संगठन पे अपने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ वो मेहनत करें तो इनका कुछ हो सकता है। और अगर मुस्लिम जात पे अगर ये ध्यान देंगे, अगर मुस्लिम जात की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, अब केसी जैन की बात कर लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप है कि ये जो है हमेशा हमेशा मुस्लिम के विरोध में काम करते हैं, मुस्लिम समुदाय के विरोध में काम करते हैं, लेकिन इस 6 साल में अगर मुस्लिम से ज्यादा कोई उपलब्ध पाया हुई सरकार में, चाहे किसान सम्मान निधि की बात करिए, चाहे निशुल्क योजना की बात करिए, अन्य की बात करिए, तमाम प्रकार की योजनाएं, अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाएं बात करिए, 1900 करोड़ रुपया इस प्रदेश में आया, कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अगर कोई फायदा पा रहा है तो मुस्लिम। लेकिन जो भाजपा की नजर में मुस्लिम को बचाने की अपने अपनाने की व्यवस्था है, ना भाजपा सफल होने वाली है और ना ही समाजवादी पार्टी अगर ये सोच रही है कि अगर हम किसी भी तरह से मुस्लिम के साथ रखेंगे तो कहीं ना कहीं हिंदू भटकेंगे, ये निश्चित है। क्योंकि भारत में जब भी देश आजाद हुआ था और ये कुछ दो भागों में किया गया था, चाहे पाकिस्तान और भारत में, तो एक उसी समय कहा गया था कि जो मुस्लिम हमारे भाई अपने भारत में नहीं रहना चाह रहे वो पाकिस्तान चले जाएं, बिल्कुल यही हुआ था। तो आज अगर हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, मांग कर रहे हैं, क्या गलत है? लेकिन अगर इसी जगह पर विवाद नहीं, गलत बात है, अगर हम अपने घर परिवार में, हम अगर अपने घर विवादित बयान अगर जो है विपक्ष के लोग देते हैं, विपक्ष का तात्पर्य है जो बाहर से आए हैं, उनको पाकिस्तान से कह सकते हैं, अफगानिस्तान से कह सकते हैं, जो लाल किले पे झंडा नहीं फहराने देते थे, आप भूल रहे हो जम्मू कश्मीर की वो हालत भूल रहे हैं, तो दुर्भाग्य है ये देश का। सबको विचार को बदलना होगा, अगर विचार को बदलेंगे तभी देश बदलने वाला है, ठीक है गौरव जी, यही सच्चाई है। ठीक है, ठीक है,
देव पांडे भाई कुछ बोले थे एक, अभी इन्होंने एक वाक्य कहा, कोई दंगा नहीं हुआ। अच्छा, ये एनसीआरबी के आंकड़े तो रखे मैंने आपके सामने है। मैं उम्मीद कर रहा था आंकड़े आपको बताएंगे आप, उम्मीद थी मुझे। 2017 में आठ कोई तो आंकड़े बहुत है। अरे सुन लीजिए, हम एनसीआरबी के आंकड़े हैं जी जी, समाजवादी पार्टी के कार्यालय से। 2017-19 का आंकड़ा है। अरे सुन लीजिए, हम बता रहे हैं 2017 का। आपने कहा कोई दंगा नहीं हुआ योगी राज, 2017 का आंकड़ा है सर। 17 में हमारी सरकार थी क्या? अच्छा, 19 में हम थे क्या? जी सुन लीजिए ना, तो दंगा को पता नहीं चला दंगा। अरे सुन तो लीजिए, 2017 में 8,990, 18 में 8,908 जी, 19 में 5,714। अच्छा, ये अभी इन्होंने क्या कहा था, ये पत्रकार हैं, इन्होंने क्या कहा था जी, योगी राज में एक भी दंगा नहीं हुआ। तो मुझे लगता है आपको हम सुने खुली चुनौती देते हैं विवेक जी, इसको अगर नहीं 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 मोबाइल मत दिखाइए, आपको हम खुली चुनौती देते हैं कि पिछले 6 साल में अगर एक दंगा के बाद आप दूसरा साबित कर दीजिए, हम पत्रकारिता छोड़ देंगे सर। ये मोबाइल दिखा रहे हैं आप, गलत बात है, गलत बात है। आप यहाँ साबित करिए, आप भी आइए, अखिलेश यादव जी भी आए, नहीं मोबाइल में साबित करिए। योगी आदित्यनाथ की सरकार की दो उपलब्धियां हैं, आप इसको जुटाइए। शासन प्रशासन एनसीआरबी को चैलेंज कीजिए, एनसीआरबी को चैलेंज कीजिए। हम लोग तो देख आप बोल रहे हैं, ये तो दंगा क्या हुआ, मरे एनसीआरबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हम जानते हैं सर, उन्होंने जो बताया है। आप मोबाइल दिखाने से कुछ नहीं होने वाला, आंकड़े हैं भाई, ये आंकड़ा अखिलेश यादव जी की मालूम है। छोड़िए दंगा हुआ था, ऐसे पत्रकार छोड़िए, पत्रकार जी, अरे छोड़िए भाई, छोड़िए आप पत्रकार, लेकिन आप सम्मानित है पत्रकार, छोड़िए सुनिए मेरी बात, छोड़ दीजिए। अगर एक दंगा नहीं हुआ, अरे सुन लिया भाई, एनसीआरबी एनसीआरबी उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी तीसरे दिन एटीएम के बाहर छिनेती होती थी, हम भूल रहे हैं क्या? रात में छिनेती होती थी, अच्छा डाके पड़ते थे, चोरी होती थी, बम नहीं चल रहे क्या? खुलेआम हत्या नहीं हो रही है क्या? कहां चल रही बम सर? अरे वाह, एक बम बताइए प्रयागराज में क्या हुआ? अरे आप बताइए ना, प्रयागराज में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में बम कहां चला है सर? वो भी नहीं चला। अरे बम कहां चला बताइए भैया, धन्य पत्रकार है। अरे सर बम कहां चला? प्रयागराज में क्या हुआ करो भाई, प्रयागराज में क्या हुआ? अरे चला की नहीं चला, किस आतंकवादी ने चलाया? चला की नहीं चला, वो सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? जो गलत किए हैं वो भुगतेंगे। अरे फिर अभी आपने क्या कहा, एक भी बम नहीं चला? कानून का नाम बता रहा है, किस आतंकवादी ने बम चलाया? हमने कहा चला की नहीं चला, विवेक जी चला की नहीं चला। अच्छा एक बात बताइए, यूपी का स्थायी डीजीपी इस समय कौन है बताइए? पत्रकार है ना? नहीं, यूपी का स्थायी डीजीपी इस समय कौन है बताइए? अस्थायी, अस्थायी क्या होता है? क्यों नहीं होता है? कार्यकारी और अस्थायी में बहुत अंतर होता है, छोड़ दीजिए, बहुत होता है, माफ कीजिएगा, बस 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 माफ कीजिएगा, हो गया। आप सम्मानित है, चलो ठीक है, आप सम्मानित है, मैं आपको हो गया, हो गया, कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन आप पत्रकार है, आप सम्मानित है। कैसी भाई आपकी पत्रकारिता को? बोलिए, बड़े मुस्कुरा रहे हैं आपके बेबे भाई की बात पर। हमारे समाजवादी पार्टी के साथी जी और तौकीर रजा के समर्थन में कैसे कैसे बयान दे गए। अरे क्या करें, क्या क्या तर्क अब आपके मोदी जी कहते हैं कांग्रेस की विधवा, कुछ नहीं बचा आपके मोदी जी कहते हैं करोड़ों की बता रहे हैं, तो भाई जब शब्दों के शिष्टाचार उन्होंने नहीं रखी, बात कर रहे हैं ये ऐसे छोटे मोटे नेता कुछ भी कह देंगे, तो उसके लिए क्या किया जाए? परंपरा किसकी शुरुआत की हुई? अरे 8,990 परंपरा की शुरुआत किसने की करो भाई, 8,990 एक देश का प्रधानमंत्री मंच से कहता करोड़ों की गलत है, ये राजनीतिक अक्षम्यता किसने शुरुआत की? परंपरा की बताइए ना, यानी कि शब्दों की अमर्यादित टिप्पणी किसने शुरुआत की? ये तो भूतकाल चली आ रही है, सवाब आ गए, अब आप आ गए वहीं पे, क्या सुचिता किसने ढूंढ रही है? रुक जाइए, सुचिता की बात आपने की ना, अभी कुछ दिन पहले चाकू की धार तेज हो रही थी, घर में धनुष बाण रखने की बात हो रही थी, भाई ये परंपरा आदिकाल की है क्या? 8,990 योगी जी ने किसी को रोका? 2017 में दंगे हो गए 8,990 ये विवेक की बात करेंगे है। देश बांटने वाले, देश तोड़ने वाले, तिरंगे को सम्मान न देने वाले, ये देश को विदेश की बात करेंगे, इतने बड़े बड़े ना भगवान खतरे में है, ना हरा खतरे में है, अच्छा ये तिरंगा खतरे में है, ये जान लीजिए गौरव जी, ना भगवान खतरे में है, ना हरा खतरे में है, ये तिरंगा खतरे में है, और उस तिरंगे को ये कोई नहीं झुटला सकता कि आरएसएस ने 40 साल तक स्वीकार नहीं किया था। अच्छा। और ये कहते हैं इनके नेता ने कहा, सभी साउथ के एक नेता ने कहा कर्नाटक के, इस देश का राष्ट्रध्वज भगवा होगा। नैम सिद्दीकी की को बोल रहे हैं, गौरव जी मैं ये कहता हूँ, गौरव जी करा रहे हैं, मैं बात रखूं, देश देश हमारा कहां जा रहा है जी, किस परिस्थितियों से जूझ रहा है जी, पेट्रोल के हमारे होली पे तोहफा देने की बजाय 50 रुपए रसोई वालों को परेशान कर रहे हैं, और से घर की क्या परेशान है, बच्चों को सही एजुकेशन नहीं मिल रही है, बच्चों को स्टार्टअप नहीं मिल रही है, लोगों को धंधा नहीं मिल रहा है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है, ठंडा गर्म हो गया, हेलो
हेलो जी बोलिए बोले बोले आपके बाजार रही लोगों को गरीबी लोगों को मतलब देश को जब कहा जा रहा बुलेट ट्रेन चलेगी आज तक के बुलेट ट्रेन नहीं चल पाई आज तक के आज जो आज हमारा लोगों को आपको भी है। आज तक के झाकते हैं कि मेरे खाते में कुछ पैसे आए कि नहीं आए। अच्छा आज तक के मैं देख रहा हूँ कि हर कोई उसमें खाते में आएगा। अच्छा आप ये जो करने में उपकरणी में कथनी में बहुत फर्क है। अच्छा भाजपा सिर्फ शगुफ्ते देती है भाजपा जो करती है तो बयान समर्थन दे दिया आपने पहले देश हमारा पहले विरोध कर रहे हैं समर्थन दे दिया भावना पलट गई आपकी भावना पलट गई आपकी नहीं भाई भावना पलट गई आपकी अभी दो किले से खराब लग रहे थे बीजेपी पे आ गया अरे तो आपने भी तो झूठ परोस दिया एनसीएमपी का कार्रवाई करना मुफ्त राजनी मिला क्या आपको मुफ्त राजनी मिलता है क्या मुस्लिम वर्ग को मुफ्त राजनी मिलता क्या आवास नहीं मिलता क्या शौचालय नहीं मिलता क्या फिर आप लोग कैसी बात करते हो ये जी मुसलमानों को हमारे मदरसों में क्या है। अच्छा जिनके लोगों के लिए अभी भी अच्छा अच्छी बात है ना सर्वे हो रहा है उनको वो नहीं मिल रही है उनको साल साल भर की उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है क्या हमारे साथ किया जा रहा है। अच्छा पहले का व्यापार सौतेला वाला व्यवहार किया जा रहा है हमारे साथ में है महंगाई चरम सीमा पे सौतेले व्यवहार का आधार तो बताइए शिक्षा अरे नहीं भाई सौतेले व्यवहार का आधार बताइए मुझे क्या राशन नहीं मिल रहा है क्या आपको आवास नहीं मिलता है क्या शौचालय नहीं मिल रहा है आधार बताइए सौतेले व्यवहार का आधार होता है ना कि सौतेले व्यवहार का आधार क्या है। अरे तो उसके लिए जो हम लोग दे रहे हैं जो जीएसटी आदमी दे रहे हैं अच्छा उसके में क्या आपको दे रहे हैं। अच्छा आप ये भी तो देखिए हमको जीएसटी कितनी देनी पड़ रही है। अच्छा तो आप तो मुस्लिम वर्ग के लिए अलग से जीएसटी है क्या मुस्लिम वर्ग के लिए अलग से जीएसटी है क्या। अरे मुझे एक शौचालय दे देते हैं तो क्या मेरा हो जाएगा मुझे नौकरी चाहिए। अच्छा दो चाहिए दो मिलेंगे भाई मुझे नौकरी चाहिए जी मेरे बच्चों को नौकरी दीजिए आप। अच्छा स्कूलों में अच्छी एडमिशन दिए चलिए कल में उनको दीजिए चलिए सबको अच्छी फैसिलिटी मिले और हिंदू बहुत दर्द आ गया दर्द आ गया आधे घंटे दर्द आ गया ठीक है आ गया कैसी भाई जवाब देंगे आपकी बात आप देखिए गौरव जी कुछ नहीं है गौरव जी देखिए नईम भाई वो चाहे तो व्यवहार करते हैं आया ना कैसी भाई आप सौतेला व्यवहार करते हैं भाई आप सौतेला व्यवहार नहीं देखिए देखिए हम बताए आपको गौरव जी जितने भी तो नहीं मैं सुन लीजिए टोकी रजा नहीं सुन लीजिए जितने भी टोकी रजा है जितने भी इस तरीके के लोग हैं जिनकी दुकानें बंद हो रही अच्छा फिर मैं वही बात ओके नहीं भाई आ गई बात जिनकी बात आ गई आपकी बहुत दर्द है आपको भाई आ गया मैं समझ रहा हूँ नहीं भाई जैसे लोग भी जो है अच्छा जिनकी राजनीति के नाम पर धर्म के नाम पर दुकानें बंद हो रही है दुकान भी पीड़ा उनको है पीड़ा उनको है दुकान भी बाकी मुस्लिम समाज को कोई पीड़ा नहीं। अच्छा मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करती है और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने में मुसलमान समाज की भी बहुत बड़ी भूमिका उनकी भूमिका कम नहीं है। मुसलमानों के सहयोग के बिना भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतने बड़े बहुमत से नहीं आ अच्छा। सरकार अरे नहीं बात सुन लीजिए बढ़िया बात बोल रहा है भाई अरे नहीं सिद्दीकी जी सुन लीजिए बढ़िया बात बोल रहा है आपने वोट दिए है आपको धन्यवाद दे रहे हैं नाराजगी है क्या ये बहुमत मेरा मुसलमानों के सहयोग के नहीं आ सकता था क्या बात सरकार बस इतनी सुन लीजिए अच्छी बात बोल रहा है लेकिन जिनको लगता है कि उनकी दुकानें बंद हो रही हैं अच्छा योगी जी मोदी जी जिनकी दुकानें बंद कर दे रहे हैं धर्म के नाम पर अच्छा राजनीति के नाम पर जो रोटियां सेकते थे अच्छा जो वास्तव में लड़ाने का काम करते थे उनको आज उनकी दुकानें बंद हो रही हैं ये बता दीजिए आज उनकी मजबूरी है कि अपने धर्म के नाम पर मजहब के नाम पर लोग भड़काना और भड़का करके बंटवारा करके अपनी राजनीति को फिर से चलाना अपनी धर्म की दुकान को फिर से चलाना और ये चलने वाली नहीं है। अच्छा नहीं चलेगा गौरव जी अच्छा अब ये बंद हो गई तो बंद हो गई आपने सोचेला व्यवहार मुसलमान समाज जी जागरूक है वो समझ गया उसका हित कहाँ पर है आप सोचेला व्यवहार क्यों करते आज तीन तलाक का बिल आता है उसमें मुस्लिम समाज की महिलाएं खुश होती है जबकि एक भी मुस्लिम धर्मगुरु सामने आके ये नहीं कहता है कि तीन तलाक नाजायज है गलत है नहीं होना चाहिए बिल्कुल वो कहता है हमारी शरीयत के अनुसार सही है हाँ।
क्यों गलत है इसमें? अच्छा। कहते हलाला होता है, इसमें क्या खराबी है, क्या गलती इसमें है? ये हमारी शरीयत के अनुसार सही है, हमारे कुरान के अनुसार सही है, लेकिन उस प्रताड़ना को वो कहीं पर भी गलत नहीं कहते कि प्रताड़ना देना गलत, लेकिन माननीय मोदी जी ने करके दिखाया, सदन के अंदर प्रस्ताव लेके आए। आज लोग तीन तलाक देते हुए डरते और उसके बाद भी अगर देते हैं तो उनकी जगह जेल में है, शराबों के पीछे है। और जिसकी ये बात कर रहे हैं, हो गया, चलो हो गया, कह नहीं भाई, 30 सेकंड लीजिए, लीजिए, देखिए जिसकी आपने बात कही, मुझे बता दिया बहुत कुछ दिया, चल ठीक है, ठीक है दिलीप भाई, नहीं भाई चल ठीक है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मांग करेंगे, तीसरे पाकिस्तान की जी, वो कह रहे हैं खालिस्तान की मांग करना बजाय वो माननीय प्रधानमंत्री जी को उद्देश्य कर रहे हैं। चले हो गए, दर्द आ गया आपको, गुस्सा आ गया, बहुत गुस्सा आ गया, केसी भाई बहुत नाराज है, चले हो गया, नवीन सिद्दीकी, केसी सर भाई अब शांत हो प्लीज, अखाड़ा मत बनाइए, अखाड़ा मत बनाइए, ये दिल्ली एमसीडी नहीं है, ये गौर सियासत की डिबेट है, प्राइवेट डिबेट है, ठीक है, हो गया, अखाड़ा मत बनाइए, ठीक है, दिलीप यादव बोलिए, चले नवीन भाई, हो गया, नवीन सिद्दीकी, हो गया, दर्द आ गया, सर बोलिए, चले ठीक है, हो गया, नईम साहब बोलने का मौका दें, नईम सिद्दीकी, हो गया, बहुत दर्द है, मुझे पता चल गया, नईम साहब आपको कुछ भी नहीं मिला, मौका दें, बहुत सौतेला व्यवहार हुआ, मुझे पता है, मुझे पवन जी ने एक बात कही कि जो है ये तौकीर रजा साहब जो है ऐसे समय पे जो है भड़काऊ भाषण दे के कुछ न कुछ फायदा करते रहते, वाकई में ये लोग ऐसे हैं, मौका परस्त है, मैं इनकी बातों से सहमत बिल्कुल, यही बात मैंने कहा था उसको, जो है मैंने कहा कि जो है इलेक्शन आ रहा है उसमें जो है ये सब चीजें चल रही है, अब इनको क्या फायदा पहुंचाना, क्या करना है, उस बात का सहमति इन्होंने मेरे दिया और मैं इनकी बातों को भी सहमति देता हूं। ये वो बरसाती मेढक होते हैं, बारिश में जो है मेढक टर टर करते हैं, तो इलेक्शन आ रहा है तो ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कि तौकीर रजा साहब, हाँ जैसे, और कुछ ऐसे जो है हमारे जो है हिंदू समाज के भी लोग होंगे, वो भी ऐसे टर टर करेंगे, उनको क्या पोलराइज करना ये होता है। अच्छा, रही बात एक चीज की जो है इन संस्थाओं पे जो है, जैसे अभी हमारे समाजवादी पार्टी के नेता और जो है पवन जी में जो है एक बहस हो गई एनसीआरबी के डाटा को लेके, या तो जो है भारतीय जनता पार्टी एनसीआरबी को नहीं मानती है, या वो अपनी डाटा को मानती है, कहने का मतलब यही है, अगर ये सेंट्रल का जो है डाटा होता है, अच्छा पवन साहब इसमें ना हम रद्दो बदल कर सकते हैं, ना जो है अच्छा। समाजवादी पार्टी कर सकते हैं, ना आप कर सकते हैं जी, जो यथार्थ है यथार्थ है, अच्छा। नहीं मैं भ्रमित नहीं होता, मैं व्हाट्सएप इंडस्ट्री का नहीं हूँ, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, पहले मैं जो है जास्ता परखता हूँ तभी बोलता हूँ। एनसीआरबी को पवन जी झुठला रहे हैं सर, और एक चीज और, 5 साल में और 1 साल में कितने दंगे हुए, आप अभी हाल में ही जो है बोल रहे थे कि जो है बम कहाँ चला, तो वो डंगा बम हुआ है, आतंकवादी डंगा नहीं, बम चलने की बात सर, बम चलने की बात, प्रयागराज में जो है उमेश पाल की हत्या से पहले बम मारा गया, जो वहाँ का अरे क्या बातें करते हैं दिलीप भाई, वो बम मारा गया, धुआं निकला रोड पे दिख रहा है, और एक चीज है ये वही गोपाल नंदी है, यही गोपाल नंदी है जो भाजपा में इससे पहले उनका जो हाथ हो गया था, भाजपा के कनेक्शन है भैया, 5 करोड़ पहले के बैठे हैं, 5 करोड़ इस्तीफा मुकदमे जो है 2017 में 8,900
दंगे हो गए पार्टी में रहे हैं। अच्छा जैन साहब आप 2019 तक जो है इलेक्शन से पहले समाजवादी पार्टी में रहे हैं, आप वही आ रहे हैं। अरे आप ही प्रवक्ता थे समाजवादी पार्टी के। समाजवादी पार्टी में बोलिए। देखिए दुर्भाग है, अभी वही बात दोहराई है, तौकीर राजा टाइप के बहुत सारे आते हैं, लेकिन अभी देखिए हम लोग जब डिबेट शुरू किए थे तो आपने पहला मौका जो है इस्लामिक स्कॉलर जो बैठे हुए जनाब उनको दिया, नईम साहब को, इनको आपने दिया था, तो इन्होंने बताया बहुत सारी चीजें, वो भी आप डिबेट्स पे उनको तो देखें, दुनिया भी देख रही है और जो देख रहे होंगे वो भी देख रहे होंगे, गिरगिट की तरह किस तरह से रंग बदला जाता है। अच्छा ये साझा गिरगिट है क्या? सही, अभी हम लोग गिरगिट है क्या? ये सभी जो आप अपने बातों पे आप अपने बातों पे नगर खड़े नहीं उतर पा रहे, आप अपने बातों पे कायम नहीं है। देखिए समाजवादी पार्टी सुनिए मुक्त विपक्ष की भूमिका में है, सड़क पे नहीं आएगी अगर बेरोजगारी महंगाई को लेकर के, तो आप आरोप लगाते रहेंगे, वो झूठ खेलते रहेंगे, वो लख लेंगे। चलिए हो गया आदित्यनाथ योगी जी सुनिए, नईम जी सुनिए, आप बदलिए, आप लोग लूटते थे आम जनता को, मुस्लिम के अपने धर्म को लूटते थे, वही हाल जो आजम खान करते थे, जो आजम खान करते थे तो उनका हाल हुआ है, वही हाल आपका भी होगा। आप बदले जा रहे हैं अपने अपने मुस्लिम लोग धर्म लोगों पे। चलिए हो गया, आप सभी का इस कार्यक्रम में जोड़ने के लिए धन्यवाद। चर्चा थी मॉपीट तौकीर राजा के बयान, तौकीर राजा का बयान और मच गया घमासान भाई। इस तरह के बयान की जरूरत क्या है, इस तरह के बयानों की आवश्यकता क्या है, क्योंकि इस तरह के बयान केवल सामाजिक सौहार्द को खराब करते हैं, इस तरह के बयान हमारे देश के लिए खराब है, क्योंकि हमारे देश में अगर वास्तव में बयान देने हैं तो शिक्षा पे दीजिए, आचरण पे दीजिए, व्यवस्था पे दीजिए और एक अच्छे प्रेरणा स्रोत के रूप में दीजिए। किसी अगर इस तरह के बयान से केवल केवल जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, जो हमारे देश का जो सामाजिक सौहार्द है वो खराब होता है, अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए या कोई धार्मिक उन्माद के लिए इस तरह के बयानों की जरूरत फिलहाल भारतीय संविधान या भारतीय लोकतंत्र में नहीं है। हमारा लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हो, यहाँ पर वही बात होनी चाहिए जो समाज के लिए बेहतर हो। अगर बेहतर बात करेंगे तो परिणाम बेहतर आएगा, और जब परिणाम बेहतर आएगा तभी भारत विश्वगुरु बनने का सपना देख सकता है। बिना बेहतरी के, बिना बेहतर आचरण के, बिना बेहतर लोकतंत्र के हम आगे बढ़ने का सपना नहीं देख सकते। इसलिए वास्तव में अगर बयान देना है तो जो जनता के मुद्दे हैं उस पर दीजिए, संघर्ष करना है तो जनता के मुद्दों पर करिए, और वास्तव में अगर अपने आप को साबित करना है तो जनता के मुद्दों पर करिए। धार्मिक और धर्म केवल भक्ति और श्रद्धा के लिए बना है, ना कि राजनीति के लिए। इसलिए संघर्ष करते रहिए और मेहनत करिए, इस तरह के बयानों से दूर रहिए। इस तरह के बयानों ने केवल देश को यहाँ पर नुकसान दिया है और वो दर्द दिया है जिससे हम सब रूबरू हैं। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।